जीरो। इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं दो S200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड, दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 टन वाले भारतीय रॉकेट नौगन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। वी हैव अ लिफ्ट ऑफ, वी हैव अ लिफ्ट ऑफ ऑफ 50 नॉर्मल लिफ्ट ऑफ S200। पैरामीटर्स जैसे कि घोषित किए गए थे उसी के पर चल रहा है रॉकेट। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आईआर का इंफ्रारेड कैमरे का वीवी हमारे सामने आए तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि अभी घोषणा की गई है सारे पैरामीटर्स सामान्य है। द S200 परफॉर्मिंग नॉर्मली गर्व से भर देने वाली तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर Mach 3 M1 रॉकेट के साथ हमारा चंद्रयान 2 चांद की तरफ रवाना हो चुका है। सबने विदाई दे दी है और बस अब उम्मीद यही है कि अगले 16 मिनट में सबसे पहले जो चरण है वो ये कि धरती की कक्षा में पहुंच जाए यानी कि गुरुत्वाकर्षण फील्ड को पार कर जाए और उसके बाद जो 54 दिनों का सफर है वो 54 दिनों का सफर बड़ा भारी पड़ेगा क्योंकि इन 54 दिनों में सटीक उस पोजिशन पर पहुंच जाए जहां हम पहुंचना चाहते हैं और पहली बार हम चांद पर लैंड करने जा रहे हैं। पहले चांद की कक्षा में तो गोल गोल चक्कर लगाए हमने, वहां की हमने बारे में जानकारियां भी जुटाई, पानी के संकेत हैं वो भी हमने देखा। और ये देखिए ये अब एक इमेज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और इसरो दिखा रहा है कि कैसे कैसे जो है वो रॉकेट ऊपर जा रहा है और चूंकि ये पूरी लॉन्चिंग जो है ये बहुत चीजों पर निर्भर करती है। अलग अलग विभाग होते हैं जिसमें थ्रस्ट क्रायोजेनिक टेक्निक जैसा सर बता रहे थे एस्पेक्ट सिंह साहब, उसके अलावा जब ऊपर ये जाएगा रॉकेट खुद को अलग कर लेगा, फिर ऑर्बिटर अलग जाएगा, ऑर्बिटर से लैंडर अलग होगा, लैंडर से फिर रोवर निकलेगा जब एक बार लैंड हो जाएगा और फिर रोवर जो है वो फिर वहां पर रो करेगा, वो वहां पर चलेगा सतह पर, सतह से वो मिट्टी कलेक्ट करेगा, हमको बताएगा उसमें कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी नमी है, जीवन की कितनी चीजें हैं उसमें, ये संभावनाएं बनती हैं। ये देखिए ये जो बिंदु बिंदु आप देख रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि फोर्थ जनरेशन या थर्ड जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं अगर वो मैक 2 की स्पीड पर उड़ते हैं तो मानकर चलिए कि सुपरसोनिक जेट 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और ये जो मैक 2 की स्पीड है, अब आप यहां से अंदाजा लगाइए कि Mach 3 M1 यानी कि स्पीड इससे भी कहीं ज्यादा। और जो विज्ञान के विद्यार्थी रहे उन्हें पता है कि एक सर्टन स्पीड लिमिट चाहिए धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भेदने के लिए, तोड़ने के लिए। उससे अगर ज्यादा की स्पीड आप नहीं हासिल कर पाए तो रॉकेट आपको वापस धरती खींच लेगी। और Mach 3 M1 इसीलिए इसे बाहुबली कहा गया है क्योंकि बहुत शक्तिशाली इंजन और एक ऐसा रॉकेट जो भारी से भारी सैटेलाइट को भी अपने साथ ले जा सकता है। और अब तो ये स्थिति है जैसा हम बता भी रहे थे कि किसी जमाने में क्रायोजेनिक इंजन के लिए भारत तरसता था कि तकनीक कोई हमसे शेयर कर ले, कोई बाहुबली दिग्गज हमें बता दे, लेकिन जब किसी ने हम पर भरोसा नहीं किया और हमें सिर्फ सांप सफेदों का देश समझा, उस वक्त इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया हैरान रह गई। और अब तो ऐसे धुरंधर जो कभी अपने सैटेलाइट के दम पर इतराया करते थे, आज सस्ते के चक्कर में अपने सैटेलाइट हमारे रॉकेट से लॉन्च कराया करते हैं, कई गुना कीमत घट जाती है। ये इसरो के वैज्ञानिक ही हैं जो सफलता की गारंटी भी लेते हैं, माल चोखा और उसके साथ साथ कोई धोखा नहीं। तो ये इसरो की कामयाबी है, तस्वीरें लॉन्च हो चुकी हैं।